राजनीति के सोपे में हाँ ये थर्मोकोल कितने हो क्या ओके चिट्ठी मारे से बैग मिला दोनों गायों के लिए आई कार कैमरा स्टैंड पे आज लो सबसे गाइड लो ऑफ किया कैमरा हां हां एक ही कैमरे से करोगे तो ना नहीं करोगे हाँ चल रेडी टैलेंट रेडी रेडी ऑर्डर कट कट भाई ये भगवान ये क्या वापिस जा रही भाऊजी मैंने अचानक ना कुछ कहा ना कुछ बताया ऐसा क्यों अचानक जा रही अच्छा जो नाराज होता किसी बात से मीठी के लिए बुलाया भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है मीठा तो मैं खा लूंगी पैकिंग कर रही थी ना इसलिए नीचे नहीं आ पाई मछुरा पर हुआ आप जा क्यों रही हैं बेटा ऑफिस का कुछ काम है अर्जेंट इसलिए अचानक जाना पड़ रहा है मैं तो कल की फ्लाइट ट्राई कर रही थी लेकिन टिकट आज का ही मिला इसलिए सोचा आज रात में चले जाऊं होल्ड 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 ऋषि राज बनना तो कल के सर मैंने आज के बना लिया फोकस रखिएगा क्या ना फोकस पे प्रॉब्लम है ना
पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, काम इसलिए जाना तो पड़ेगा। नायरा बोले बुआ काय दीदी को तो छोड़ जाओ, उसकी तो वैकेशन चल रही है। नहीं फिर काय बोली नहीं नायरा, मैं मॉम के बिना नहीं रह सकती, मॉम के साथ ही जाऊँगी। बिल्कुल गई के साथ जल्द से जाकर काम से। अच्छा लेकिन ये वादा जरूर करना कि जैसे ही तुम्हें छुट्टी मिलती है ना गायब के साथ फिर से आओगी दोबारा। हाँ और वैसे भी हम लोग तो यहाँ पर हैं, जब मन करे आ जा। थैंक्स दादा, थैंक यू भाभी, चले बेटा। नमन बोला दीदी मैं आपके लिए गाड़ी निकालता हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़ दिया। मिलना जुलना चालू हुआ, चले भी मिलने में सबसे। जाओ जाओ नहीं पहले पहले मिलने को सब तुझे पहले करिएगा। रोल पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ। रोल बस 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 रोल देखो, जाओ मिलने जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जाओ उधर मिलो, आगे बढ़ो। देखता हूँ वहां जाके बाहर गाड़ी निकलवाता हूँ। राजभवन इधर से बोला नमन दादा, नमन ने दीदी मैं आपके लिए आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी जाओ गाड़ी निकाल। चलो बेटा मैं आपको सबसे मिलना हो गया, भाभी वाली जल्दी आना फिर से, मैं राह देखूंगी। बेटी आती है तो माँ के कलेजे को ठंडक मिल जाती है। रश्मि को भी बोला, सब लोग समझ गए। चलिए बाबू जी मैं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। कार ओके लॉन्च बट शी इज आउट आउट ऑफ मुंबई, देन वी हैव लेकिन देन शी प्लान फॉर बर्थडे एंड देन शी वेंट फॉर सम वर्क सो आउट ऑफ इंडिया। कॉन्सेंट्रेट कर, जैसे फोटोशूट होता है ना वैसे थोड़ा खड़ा होना है, मतलब लाइक यू नो पोज। हाँ Hello।
ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। रश्मि जी आ जाइए। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। हे भगवान, ये एकदम से घर छोड़ के जाने का क्या सस्पेंस है? एक्चुअली सस्पेंस ये है, सस्पेंस कुछ नहीं है एक्चुअली, मुझे काम आ गया और जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ा बिकॉज सिंस आई ओनली हैंडल एवरीथिंग मेरी डॉटर के साथ, तो इसलिए मुझे इमिजिएटली जाना पड़ा। ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है, कुछ तो है ऐसा। ऑफिस से कॉल आया और मुझे इमिजिएटली निकलना पड़ा और इसीलिए मैं जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं वापस आ जाऊँगी। शादी के सेलिब्रेशंस कैसे रहे? हाथ नीचे। काफ़ी दिन आप लोगों ने शूट किया? बहुत अच्छे थे, हमने बहुत मेहनत की है शादी में, ऑब्वियसली सबने की है, तो बहुत मज़ा आया शादी में क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ता शादी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे शादियाँ बहुत ही पर्टिकुलरली हर रस्म के साथ होती हैं, तो इस बार अक्षरा तो घोड़ी पर निकली ये और यस दिस वाज समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है हमेशा कि लड़का घोड़ी पे बैठता है जो दूल्हा है, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग किया कि दुल्हन जो थी हमारी अक्षरा वो घोड़ी पे बैठ कर आई थी और हमने वैसे ही सारे बाकी सब जो रीते रस्में हैं वैसे ही की जैसे करते हैं नॉर्मल शादी में, खाली डिफरेंट ये था कि दुल्हन घोड़ी पे बैठ कर आई। ये ट्रेंड सेट करेगा कुछ आपको लगता है? आई थिंक सो बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हमेशा से करते आए हैं, हमेशा लड़का ही घोड़ी पे बैठता है, तो इस बार आई थिंक ये कुछ डिफरेंट किया है। आई एम श्योर ये कोई ट्रेंड सेट हो सकता है बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट। मुझे कुछ पूछना है लेकिन आप सब छोड़ के जा रहे हो अभी, तो आपको कैसा लग रहा है? आप मिस नहीं करोगे अपने कजिन्स को? हम वापस नहीं आना चाहोगे? ऑब्वियसली हम मिस करेंगे बट हम वापस जरूर आएंगे और जल्दी आएंगे। आप ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भी जा रही थी तो भाभी माँ के से आप गले नहीं लगती हो, तो उसमें हमें कुछ लग रहा है। यस, शादी में भी मैं भाभी माँ से
की अब तक बात नहीं कर रही हूँ प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने जो किया था इतने सालों तक, और उनकी वजह से ही, उनकी जिद के वजह से बेसिकली दादा और भाभी को बहुत कुछ, दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट, और इसीलिए मैं उनसे अब तक नाराज़ हूँ. और मैं उनसे अब तक बात करने का मेरा मन नहीं हो रहा है. अभी भी मैं उनसे इतने बराबर से नहीं, मैं मिलके ही नहीं गई उनसे. तो देखते हैं, जब तक मेरा मन नहीं मानेगा मैं उनसे बात नहीं करूँगी. हमने देखा आज काफ़ी लोग नहीं थे, अक्षरा नहीं थी, और तो शायद उनके ड्यूप यहाँ पे. यस बिल्कुल. तो ये कैसा रहता है शूट करना, अगर मतलब रियल कैरेक्टर्स? अभी तो आई मीन कभी कोई नहीं होता है, सब अपने हिसाब से छुट्टी लेते रहते हैं. सो इट्स लाइक नॉर्मल, अभी हम यूज टू हो गए हैं कभी कोई नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट अवेलेबल ऑन द सेम डे. वैसे ही शूट करते हैं जैसे हम रोज करते हैं. तो रिएक्शन देने में परेशानी नहीं होती जब आपको, जैसे अगर ड्यूप रहते हैं तो? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होती. परेशानी कैसी, आफ्टर ऑल वी आर एक्टर्स. कभी आपने, आपका भी ड्यूप रहा है कभी? हाँ. अच्छा, और आपका? ऑफकोर्स यस रहा है. अब इसके बाद क्या सीक्वेंस होगी, जैसे आप यहाँ से जा रही हैं तो फिर? इसके बाद जो घर के हैं यहाँ पर, जो इनकी अभी अक्षरा नेतक वापस आ गए हैं, बच्चे वापस आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो टू मेनी थिंग्स एक ही घर में, एक ही रूफ के अंदर रह के, छोटी 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 बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो होती रहती हैं उनमें, आई थिंक दे विल गेट बिजी विद ऑल दैट. क्या है ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये वही है ना कि मतलब शादी हो गई है, मतलब पूरी हो चुका, सारे सेरेमनीज हो गई, उसके बाद आप लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, राइट? यस, शादी सब हो गया, सब चले गए, और अब मुझे भी कॉल आ गया तो मैं भी जा रही हूँ. थैंक यू सो मच. लेट्स पोज फॉर द कैमरास टुगेदर.